हेलो फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि आपके स्मार्टफोन के अंदर एक ऐसी सेटिंग है जिससे आप कर लोगे तो आपका फोन जो है उसका जो फ्रंट साइज है वो स्मॉलेस्ट इतने छोटे हो जाएंगे कि आप उसे पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि इतने बारीक हो जाएंगे। अगर आपको कोई आई प्रॉब्लम है तो वो ट्रिक आप अप्लाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप उसे रीड नहीं कर पाओगे और आप कैसे करोगे कि वो जूम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ने वाली। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये अगर आप ट्रिक करने वाला हो तो भाई सोच समझ के ट्रिक को अप्लाई करना, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, जो मीडियम साइज के जो फ्रंट लेवल होते हैं, जो मीडियम लार्ज है, वो जो बेसिकली सेटिंग होती है उसमें डिस्प्ले सेटिंग में जाके अगर आप ये करते हो फोन साइज का, बट ये नॉर्मल है, ये हो जाता है। बाकी जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ वो काफी गजब की सेटिंग है, जब आप उसे करोगे तो आप भी अनबिलीवेबल हो जाओगे कि आपकी स्क्रीन इतनी भी छोटी हो सकती है और इतने भी बारीक फॉन्ट हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो भाई थंबनेल तो आप देख ही लेना, थंबनेल में आपको पता लग जाएगा कि कितने बारीक जो है फॉन्ट होने वाले हैं। तो भाई चलते हैं वीडियो के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ ये सेटिंग आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो चलो चलते हैं। तो भाई हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सेटिंग दिखने को मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले जो हम दिखा देते हैं नॉर्मल डिस्प्ले कितना बड़ा होता है, तो यहाँ पे आपको फ़ोन साइज़ मिलेगा जो सभी लोगों को मिल जाता है इजीली, और वो सभी लोग यहाँ से छोटा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यह मैं डिफ़ॉल्ट करके फिर से आपको दिखा देता हूँ दूसरी तरह की सेटिंग। तो आपको आपके अब फ़ोन के अंदर अबाउट फ़ोन के अंदर जाना है, उसके अंदर आपको बिल्ड नंबर या बेसबैंड नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 7 टैप करना है, और उसके बाद आपको एक डेवलपर ऑप्शन जो है बाहर की ओर निकल कर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम के अंदर ये डेवलपर ऑप्शन बाहर निकल आ चुका है। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे की ओर जाना है, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ड्रॉइंग, ठीक है। तो मैं थोड़ा नीचे चले जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ ये ड्राइंग। इसके अंदर आपको स्मॉलेस्ट विड्थ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ये 392, ये आपको याद रखना है, आपकी जो भी साइज़ हो वो आपको याद रखना है, ये जो है नंबर आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना, ये भूलना मत प्लीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप मैं सबसे स्मॉलेस्ट पहले सबसे बिगेस्ट करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं 100 डाल देता हूँ और उसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो थोड़ा सा साइज़ जो है यहाँ 320 तक, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता। अब मैं इसे जो है सबसे स्मॉलेस्ट कर देता हूँ, पहले मैं 1000 डालता हूँ क्योंकि 1400 है, बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला, तो मैं इसको चेंज करके 1200 कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि 1200 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं 1200 करके ओके कर देता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हो आप यहाँ पढ़ भी नहीं पाओगे कि क्या है, कुछ भी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी मुश्किल है आपको देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है। तो यहाँ पे फिर से मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे अब मैं फिर 1400 डाल देता हूँ, आपको 1400 डाल के दिखा देता हूँ, ओके। अब देखो और ज़्यादा छोटे हो चुके हैं, बारीक बिल्कुल ज़्यादा, इतने बारीक हो चुके कि आप उसे रीड भी नहीं कर पाओगे। तो वीडियो के अंदर तो आप रीड नहीं कर पा रहे होगे, बाकी आप आपके फ़ोन में तो रीड कर सकते हो, थोड़ा चल सकता है। अब यहाँ पर मैं वापस से इसकी जो है फ़ोन साइज़ को फिर से चेंज करके आपको दिखाता हूँ, या 1300 डाल के देखता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, और अब देख सकते हो मतलब धीरे धीरे जैसे आप 1000 डालोगे, 800 डालोगे, तो चेंज करते रहो ना, तो ये आप चेंज करते रहोगे ऐसी ऐसी स्क्रीन बड़ी छोटी होती रहेगी। तो अब मैं जो इसकी जो मीडियम जो वापस से उसकी मेन जो है वापस से डाल देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि फ़ोन नॉर्मल कैसे होगा। तो मैं इसे 392 वापस से डाल देता हूँ यहाँ पर, और इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन जो है पहले जैसी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करके शेयर करके ज़रूर बताएं, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।